नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। सपा नेता रेहान खान ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद। देखिए लखीमपुर खीरी से आफताब हुसैन की एक खास रिपोर्ट। बीते दिनों पहाड़ों पर हुई बारिश से नदियों में उफान के चलते जिले के दर्जनों गाँव जलमग्न हो गए थे। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए और इनके सामने खाने पीने की चीजों की भी दिक्कत आ गई। इन बाढ़ पीड़ितों के दर्द को महसूस करते हुए पलिया विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता रेहान खान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रेहान खान ने उन्हें खाने पीने की चीजों सहित तमाम जरूरत का सामान वितरित किया। इस दौरान बाढ़ क्षेत्र प्रभावित आधा दर्जन उन किशोरियों की शादी भी की, जिम्मेदारी उठाई जो लोग बाढ़ के चलते अपनी बच्चियों की पहले से तय तारीखों में शादी कर पाने में असमर्थ हो गए थे। आपको बता दें कि समाज सेवी रेहान खान लगातार गरीबों के बीच में पहुंचकर उनको जरूरत का सामान मुहैया कराते हैं। चाहे कोविड 19 की परेशानी से ग्रस्त लोगों की मदद का मामला हो या फिर अब बाढ़ पीड़ितों की मदद का मामला हो, उन्होंने इसके लिए पहले ही अपने फॉर्च्यूनर कार बेची फिर अपना एक मकान बेचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। रेहान खान की कार्यशैली क्षेत्र में काफी चर्चा सुनाई दे रही है। देखिए मामले में क्या कहना है बाढ़ पीड़ितों का तथा सपा नेता रेहान खान का। जी बताइए, आज आपका क्या कार्यक्रम था यहाँ पर और क्या आपने यहाँ पर किया है? आज हम लोगों ने क्षेत्र के अंदर जो बाढ़ पीड़ित कप्तान लोग हैं, जो लोग सड़क के ऊपर बसे हुए हैं, इन लोगों को कपड़ा, सैनिटाइजर, मास्क, राशन और इनके जरूरत के सामान जो चारपाई वगैरह हैं ये देने का काम किए हैं। और आगे भी गांव-गांव में जा करके नंगला, मरोचा, आजाद नगर, बरबार नगर, श्रीनगर, नरोसा, इन गांव के अंदर शारदा नदी बहुत ही भयंकर तरीके से कटान करने का काम कर रही है, जिससे हजारों एकड़ गन्ने की फसल नदी में समा गई है। ये लोग, बाकी लोग सब बेघर हो गए हैं और सरकार प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको सामग्रिक राहत नहीं पहुंचाई गई है। गरीबी में और हमारे कोरोना की बीमारी में रहान भैया सबको मदद करते हैं, गरीब गुनों के जिसकी कोई बात बात नहीं। कोई सरकारी मदद आई आप तक? सरकारी नहीं, कोई नहीं आया। परेशानी है यहाँ पर बहुत, बाढ़ भैया सब है, गरीबी ज्यादा है और हमारे रेहान खान भैया ने इतनी मदद किया है, कोई भी अभी नहीं आया आज तक, यहाँ पे नहीं कोई आया है। हाँ बताइए, आप पूरी बात बताइए, कौन आया आपके यहाँ? हमारे यहाँ भाईजान आए हैं, साथ एक जिम्मेदारी ले रहे हैं और गरीब आदमी हम लोग हैं, सहायता पूरी कर रहे हैं। कौन भाईजान? ये उनका रेहान भाईजान, हम लोग गरीब आदमी हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ जिम्मेदारी ले रहे हैं शादी के लिए। नंगला रहने वाले हैं हम लोग, वह कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए हम लोग कर नहीं पाए हैं, पूरी मदद कर रहे भाई। पड़रिया तुला गुरुद्वारे के पास राजमार्ग पर अज्ञात सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। भारी पुलिस मौके पर, अभी तक नहीं हुई मृतक की पहचान। बैंक कर्मचारियों की मनमानी से सर्वर की समस्या। देखिए सीतापुर से सरबजीत की एक खास रिपोर्ट। सीतापुर जनपद में खैरबास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए दिन बैंक कर्मचारियों की मनमानी से सर्वर की समस्या बनी रहती है, जिससे खाता धारकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी भी अपनी मनमानी कर खाता धारकों को वापस भेज देते हैं। खाता धारक राजेश का कहना है कि बैंक में यह कहकर वापस कर देते हैं कि सर्वर नहीं है, कल आना। बैंक के कर्मचारियों की मनमानी से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरा जोगी गांव में बच्चा चोर गिरोह ने दी दस्तक। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में थाना अनूपशहर के डूंगरा जोगी गांव में बच्चा चोरी गिरोह ने दस्तक दी है। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम बनकर डेढ़ माह के बच्चे को लेकर बच्चा चोर गिरोह रफू चक्कर हो गया है। टीकाकरण के नाम पर मासूम बच्चे को घर पहुंचकर गिरोह ने बाहर बुलाया और बच्चे को लेकर फरार हो गए। गिरोह में नकाबपोश महिला भी शामिल है। परिवार को चकमा देकर गिरोह बच्चे को लेकर रफू चक्कर होने के बाद पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। तो वहीं परिवार के लोगों ने इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और सीओ वंदना शर्मा ने पुलिस की 5 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोर गिरोह कार में सवार होकर मेडिकल टीम बनकर टीकाकरण करने के नाम पर गांव में दाखिल हुआ था और फिर बच्चे को लेकर गिरोह रफू चक्कर हो गया। पूरे मामले में सीओ वंदना शर्मा का कहना है कि बच्चा चोर का प्रकरण सामने आया है और पुलिस ने 5 टीमें गठित करके बच्चे को खोजने का लगातार प्रयास कर रही है और जल्द बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। फिलहाल लांस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ स्वाट टीम की भी मदद ली जा रही है। देखिए इस मामले में क्या कहना है सीओ वंदना शर्मा का। आज ग्राम डुमरा जोगी थाना नूप शहर में दोपहर करीब 2 बजे एक महिला एवं एक पुरुष गाड़ी से गांव में आए और एवं टीका लगाने के बहाने से उन्होंने एक माह के बच्चे को
लेकर चले गए। इस संबंध में अभियोग थाने अनुक्षर पर पंजीकृत कर लिया गया है एवं 5 टीमें गठित कर घटना के नामने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।